हेलो चिल्ड्रेन हाव यू ऑल आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल बच्चों आप कभी अपने पेरेंट्स के साथ मार्केट गए हो अगर गए हो तो वहाँ पे आपने क्या क्या देखा है बहुत सारी चीज़ें देखी है ना तो चलो इस चैप्टर में भी हम मार्केट चलेंगे और देखेंगे वहाँ पे कितनी सारी चीज़ें सो लेट स्टार्ट टू द मार्केट इट इज संडे मॉर्निंग इट इज अ हॉलीडे फॉर एवरी एट होम रमन parent आर गोइंग to the मार्केट मदर रमन वी आर गोइंग to the मार्केट डू यू want टू कम विद us? रमन यस yes, मदर आई want टू कम विद यू अब बच्चों संडे का दिन है हॉलीडे होता है संडे तो सबके सब घर सब पे होते हैं मम्मी पापा की भी छुट्टी होती है और बच्चों के स्कूल की भी छुट्टी होती है तो मदर जो होती है रमन की वो रमन से पूछती है कि हम मार्केट जा रहे हैं क्या तुम हमारे साथ चलोगे रमन कहता है यस yes, मदर मैं आपके साथ चलूँगा फादर लेट्स गो बाय कार देन इट विल बी मोर comfortable. मदर दैट्स अ गुड idea. अब पापा जो होते हैं वो कहते हैं चलो कार से चलते हैं हम कम्फर्टेबली जाएंगे अच्छे से जाएंगे आराम से जाएंगे तो उसकी मदर कहती है गुड idea. फादर रमन गो एंड चेंज your क्लॉथ्स क्विकली एंड वेयर योर शूज़ अब रमन के फादर रमन से क्या कहते हैं चलो अपने कपड़े चेंज कर लो और शूज़ पहन लो रमन आई एल बी रेडी इन फाइव मिनट्स पापा मदर वी हैव टू बाई अ लॉट ऑफ थिंग्स लेट्स कैरी अ फ्यू बैग्स इट विल बी ईजी टू ब्रिंग द थिंग्स बैक रमन रेडी होता है और उसकी मदर कहती है कि हमें बहुत सारी चीज़ें खरीदनी हैं तो हमें कैरी बैग भी लेके जाना पड़ेगा ऑन द वे रमन वट आर वी गोइंग टू बाय रमन पूछता है हम वहाँ क्या खरीदेंगे मदर वेजिटेबल्स एंड सम अदर थिंग रमन

अ किलो ऑफ फ्रेश पोटैटोज़ प्लीज़ अब वो लोग एक वेजिटेबल शॉप पे पहुँच जाते हैं तो शॉप कीपर उनसे पूछता है कि आपको क्या चाहिए तो मदर कहती है मुझे फ्रेश आलू चाहिए एक किलो कर दो शॉप कीपर सटेनली है यू आर डू यू नीड एनीथिंग एल्स मदर हाफ अ किलो ऑफ ईच टमेटो कैरेट्स एंड बीस टू शॉप जो सब्जी वाला होता है वो बोलता है लो आपके आलू कर दिए अब वो उससे पूछता है आपको कुछ और भी चाहिए तो वो कहती है कि मुझे आधा आधा किलो टमाटर कैरेट और बीन्स भी कर दो शॉपकीपर, कीपर एनी मैडम मदर दैट इज़ ऑल आई नीड नाउ हाउ मच इज़ इट शॉपकीपर फिफ्टी रुपीज़ मैडम मदर है यू आर तो शॉपकीपर बोलता है कि अब इनके पचास रुपये हो गए उसकी मदर उन्हें पचास रुपये देती है और आगे बढ़ती है एट बेकरी मदर कैन आई हैव सम ब्रेड्स प्लीज शॉपकीपर हेयर इज़ सम ब्रेड फॉर यू मैडम मदर थैंक यू फादर शेल वी बाय सम बिस्किट्स अब सब्जी वाले के बाद वो कहाँ जाते हैं बेकरी पे जाते हैं तो बेकरी वाले के पास मदर बोलती है क्या मुझे ब्रेड मिलेगी तो शॉपकीपर बोलता है बिल्कुल फिर मदर थैंक यू बोलती है और वो लोग आगे बढ़ते हैं फिर फादर पूछते हैं क्या हम बिस्किट भी लेंगे मदर येस ऑफकोर्स अ पैकेट ऑफ क्रीम बिस्किट्स प्लीज रमन लुक मदर ही हैज़ पाइनएपल पेस्ट्रीज टू फादर वेल फाइव पाइन ऐपल पेस्ट्रीज ऑल्सो मदर हाउ मच शुड आई पे शॉप कीपर थर्टी फाइव रुपीज़ मैडम अब रमन अपनी मम्मी से कहता है कि मम्मी पाइनप्पल पेस्ट्रीज भी हैं देखो तो फादर कहते हैं ठीक है फाइव पाइनएपल पेस्ट्रीज पैक कर दो मदर शॉपकीपर से पूछती है इनका कितना हुआ तो शॉपकीपर बोलता है थर्टी फाइव रुपीज़ मैडम तो उसकी मदर उसे पैसे देती है और शॉपकीपर बोलता है थैंक यू रमन पापा कैन वी हैव आइसक्रीम नाउ फादर वाई नॉट कम लेट्स गो एंड हैव सम आइस क्रीम्स रमन देयर इज अ शॉप ऑन द अदर साइड ऑफ द रोड फादर लेट्स क्रॉस द रोड होल्ड माई हैंड अब रमन को आइसक्रीम खानी है तो वो अपने पापा से कहता है कि पापा चलो हम सब आइसक्रीम खाते हैं तो उसके पापा कहते हैं आइसक्रीम वाला रोड के उस साइड बैठा हुआ है तो मेरा हाथ पकड़ लो हम हाथ पकड़ के ही रोड को क्रॉस करेंगे एट माइकीज़ आइसक्रीम पार्लर अब वो लोग कहाँ पहुँच जाते हैं आइसक्रीम पार्लर पे फादर रमन कैन आई गेट अ चॉकलेट आइसक्रीम फॉर यू रमन नो पापा आई डू नॉट वॉन्ट अ चॉकलेट आइसक्रीम आई वॉन्ट अ स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम रमन के फादर रमन से पूछते हैं बेटा क्या तुम चॉकलेट आइसक्रीम खाओगे तो रमन कहता है नहीं पापा मुझे आप स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम दे दो

मुझे मार्केट में लाने के लिए मैंने यहाँ पे अच्छा टाइम स्पेंड किया मदर ने कहा मैंने भी शॉपिंग इन्जॉय की अब उनके पापा ने कहा चलो ये लंच टाइम हो गया है हम लोग घर वापस चलते हैं तो बच्चों आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी अब इसकी दी हुई एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे